हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का वीडियो है इस डीजे सेटअप के बारे में, जिसमें दो स्कूप बेस यूज किया गया है और चार टॉप है डीजे प्लस की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं हम इस सेटअप के बारे में, जिसमें कौन से एम्पलीफायर पे ये सेटअप चल रहा है और इसमें कौन सा टॉप यूज किया गया है, कौन सा इसमें बेस के लिए स्पीकर यूज किया गया है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, आप में से कई भाइयों ने कमेंट किया था कि मैं DRX 750 का टेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ करके, और साथ ही साथ कुछ भाइयों ने कमेंट किया था स्कूप बेस के बारे में बताइए करके। तो आज का वीडियो में ये दोनों काम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सेटअप है हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भाई दीपक चौहान का, जो कि रायगढ़ से हैं, किरोदी माल जो एरिया है वहाँ से हैं। और उन्होंने अपने सेटअप के बारे में यहाँ पे फिर व्हाट्सएप पे सेंड किया था, और इसका साउंड टेस्टिंग भी वो मैं आपको लास्ट में इसका साउंड टेस्टिंग भी एड कर रहा हूँ वीडियो में, तो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम बेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्कूप बेस है और स्कूप बेस का जो लॉन्ग थ्रो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और आप इस पर 2000 से 2500 वाट तक का कैबिनेट के हिसाब से स्पीकर लगा सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा वाइब्रेशन, पंच और लॉन्ग थ्रो दे देगा। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है हमारे दीपक भाई ने, उन्होंने इसमें स्पीकर यूज़ किया है जो कि 1800 वाट का है। चले बात करते हैं इस स्पीकर के बारे में, जो कि इस कैबिनेट के लिए पर्याप्त है और बहुत अच्छा आउटपुट इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं स्पीकर के बारे में। तो यहाँ पे स्पीकर उन्होंने यूज़ किया है ऑडियो टोन का PD1850 करके, जो कि 1800 वाट के आसपास आपका स्पीकर कार में मिल जाएगा, और इसमें 5 इंच का वॉइस कॉइल यूज़ किया गया है और इसका वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा है। इस स्पीकर के बारे में विक्की वेन सर ने भी, आप जानते ही होंगे, उन्होंने भी इस स्पीकर का साउंड टेस्टिंग किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा इस स्पीकर को बताया है। तो दोस्तों, ये स्पीकर उन्होंने यूज़ किया है इस सेटअप में, जिसमें एक बेस में एक स्पीकर और दूसरे बेस में एक स्पीकर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इस स्पीकर का। और टॉप को तो आपने जान ही लिया, इसमें टॉप जो है वो डीजे प्लस का चार टॉप यूज़ किया है इन्होंने, और टॉप का जो मॉडल है वो है DRX 750, और ये पुराना मॉडल है। अभी के नए मॉडल में JBL टाइप का कंपनी ने मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन ये पुराना टॉप है, पुराना मॉडल में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये DRX 750 है, और इसमें इसका जो RMS पावर है वो 750 वाट कंपनी इसमें देती है। और इसमें जो कंपनी स्पीकर यूज़ करती है, मैं वो स्पीकर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इसमें स्पीकर लगा होता है डीजे प्लस का जंबो करके है, 350 वाट का इसमें स्पीकर लगा होता है। इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा आपको इसमें मिड और बेस दोनों एक साथ देखने को मिल जाएगा। और चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें एम्पलीफायर उन्होंने कौन कौन सा यूज़ किया है। तो यहाँ पे एम्पलीफायर उन्होंने यूज़ किया है टॉप के लिए 220, ये एम्पलीफायर डीजे प्लस की तरफ से है, मॉडल नंबर है DZA 10000 करके, ये 1000 वाट का डबल जोन का एम्पलीफायर है। और इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका आउटपुट पावर जो है 500 वाट इसका आर्मेस पावर होता है, और आप इससे मैक्सिमम 600 वाट का लोड दे सकते हैं पर चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, टॉप को आप 150 वाट कम में भी चलाएंगे तो अच्छा खासा आपको रिस्पांस दे देगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस एम्पलीफायर का 2 एम्पलीफायर यूज़ किया है। बात करें बेस के एम्पलीफायर का, तो बेस के लिए उन्होंने एम्पलीफायर यूज़ किया है MT1201, जो कि NX Radio का होता है, और आप NX Radio के बारे में जानते ही हैं, एम्पलीफायर बहुत ही अच्छे होते हैं। थोड़ा डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है 8 ओम पे 1350 वाट, और आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, MT-Series एम्पलीफायर बहुत पॉपुलर एम्पलीफायर है, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सीरीज है NX Radio का MT-1201, और ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे हमें डंपिंग फैक्टर 800 वाट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 1350 वाट है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे उन्होंने स्पीकर यूज़ किया है ऑडियोटोन का 1852। कंपनी बताती है कि ये 2000 वाट का स्पीकर है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर कंपनी अपने स्पीकर को थोड़ा बहुत ज़्यादा करके ही बताती है। तो यहाँ पे उस स्पीकर का वाट जो है एक्चुअल में जो होगा वो आपको लगभग 1500 से 1700 वाट के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए एम्पलीफायर MT-Series पर्याप्त है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसके एक जोन पे एक बेस और एक जोन पे एक बेस यूज किया है। और दोस्तों, बात करें इस सेटअप में जैटर की, तो उन्होंने जैटर यूज़ किया था 12 एग्रो का 10 KVA का। तो इस प्रकार से ये सेटअप कम्प्लीट करता है दोस्तों, जिसमें उन्होंने 4 टॉप और 2 स्कूप बेस यूज़ किया है, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं इसका साउंड टेस्टिंग वीडियो। हेडफोन का यूज करिएगा, ताकि आपको क्वालिटी अच्छे से समझ में आ जाए। We'll be right back.
तो दोस्तों ये था इस सेटअप के बारे में। अगर आप में से कोई भाई यूज़ कर रहे हैं इस टाइप का कोई सेटअप तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें और बताइए आपको सेटअप कैसा लगा। और अगर आप इनमें से कोई सा भी एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करना। तो दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने सेटअप का हम टेस्टिंग वीडियो और डिटेल्स हमें व्हाट्सअप किया, क्योंकि लॉकडाउन में साउंड टेस्टिंग वीडियो बनाना हमारे एरिया में अभी संभव नहीं है, इसीलिए मैंने उनसे ये वीडियो सेंड करने के लिए कहा था। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।